मैं आज एटा के उपस्थित सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वहीं जहां इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जो दोनों प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने आए हैं, गठबंधन को आशीर्वाद देने आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। पंडाल में तो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां ये पंडाल है उसमें तो लोग दिखाई दे रहे हैं हमें बड़ी संख्या में, जो पेड़ के नीचे छाया में खड़े हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, पेड़ों के नीचे भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं और उस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय मतदान होगा, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। लोग चर्चा करते हैं कि ये गठबंधन, लोग ये चर्चा करते हैं ये गठबंधन पे जितना वोट है वो वोट किसी के पास नहीं है। बताओ जितना गठबंधन के पास वोट है कितना किसी के पास वोट है तो बताओ। और ये महागठबंधन को जो कह रहे हैं कि महामिलावट है, जो लोग ये कहते हैं कि महामिलावट है, याद रखना जिस समय वोट पड़ेगा गरीब जनता उनकी चौकी छीन लेगी, उन चौकीदार लोगों की, इसलिए महागठबंधन है ये। और महागठबंधन देश में परिवर्तन लाने के लिए गठबंधन हुआ है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो तकलीफ परेशानी आई है, 5 साल में लगातार जो परेशानी आई है, और 5 साल में न केवल देश बल्कि उत्तर प्रदेश को भी पीछे ले जाने का काम किया है। ये कभी कभी आवाज आ रही है पीछे से शिक्षा मित्रों की, ये शिक्षा मित्रों से हम कहना चाहते हैं, शिक्षा मित्र के साथी पिछले चुनाव में भटक गए थे, ये गुमराह हो गए थे थोड़े बहुत, ये जानते हैं, ये स्वीकार कर लेंगे, बोलो गुमराह हुए थे कि नहीं हुए थे, ये शिक्षा मित्र गुमराह हो गए थे। जैसे ये गुमराह हुए थे वैसे बहुत सारे लोगों को धोखा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने समर्थन दे दिया और उनकी सरकार बन गई दिल्ली में और उत्तर प्रदेश, धोखा दिया इन्होंने। जो रसोइया है उनसे पूछिए सरकार ने क्या कहा था, उनसे आशा कार्यकर्ताओं से क्या कहा था, हमारे ग्राम सेवकों से क्या कहा था और चौकीदारों को क्या कहा था, आपको याद होगा। आज कोई चौकीदार नहीं बनना चाहता, हमारे गांव में जो चौकीदार हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, चौकीदार सरकारी नौकरी, कोई उनकी मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन परिवर्तन लाने का काम करने जा रहा है, ये देश की राजनीति का परिवर्तन लाने का काम करेगा। आज जो हालात हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो हो सकता है कि आपको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाए। आज अगर आप सच जानना चाहें तो राष्ट्र विरोधी साबित हो जाओगे। आपने भाषण सुना इन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का, अभी ये तो मान ली बात, आगे की बात करो, ये तो सबने मान लिया जो कह रहे हो तुम, जो बात कह रहे हो वो सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरे रुक जाइए, भाजपा भी जाएगी चौकीदार भी जाएगा, लेकिन रुके रहो थोड़ी देर,
अगर आपने कोई सवाल पूछ लिया तो राष्ट्रविरोधी घोषित हो जाओगे। क्या 2014 का भाषण याद है प्रधानमंत्री जी का? हमारे पत्रकार साथियों बताओ आप, 2014 की वो बातें याद हैं कि नहीं याद हैं? वो काला धन कहाँ है ये बताओ हमें। और सरकार ने कहा था, याद कीजिए, बीजेपी ने कहा था कि सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो गई, हम समझाते रहे, याद कीजिए। इसी मैदान में, इसी मंच पर जब हम आए थे, याद कीजिए आप, जब विधानसभा का चुनाव था इनका, मैंने कहा था कि रुपया सफेद और काला नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, यही कहा था इसी मंच पर। लोगों ने बात नहीं मानी, लोगों ने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों ने बीजेपी की बात को मान लिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। आज हम जानना चाहते हैं, रुपए सब नए हो गए, बताओ रुपए नए हो गए कि नहीं हो गए? और अगर रुपए नए हो गए तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और भ्रष्टाचार की कहानियां हमसे बेहतर आप जानते होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो और चाहे दिल्ली वाला हो। इसलिए सीमाएं भी नहीं सुरक्षित हैं। अगर सीमाओं पर सवाल पूछ लें तो भारतीय जनता पार्टी हमें और आपको कहेंगे कि ये राष्ट्र के विरोधी काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी किस पे वोट मांग रही थी? पुलवामा और बालाकोट पे वोट मांग रहे थे। अभी F-16 का हम बीजेपी की बात माने या अमेरिका की बात माने, अगर अमेरिका नहीं चाहता तो आपका जो फाइटर पायलट जो पाकिस्तान में गिरा था, अगर अमेरिका नहीं चाहता तो आपका पायलट नहीं वापस आता, वो अमेरिका ने वापस किया। अगर आप ये कहते हो कि आपकी ताकत थी इसलिए पायलट वापस आ गया, हम जानना चाहते हैं, जब अमेरिका ही कह रहा है कि F-16 नहीं गिरा है तो हम किसकी बात माने? भारतीय जनता पार्टी की बात माने कि हम अमेरिका की बात माने? कोई गिनती नहीं। और जिन्होंने ध्यान से अखबार आज पढ़ा होगा वो जान लें, अभी कानपुर में टेस्टिंग कर रहे थे, तोप बना रहे थे, तोप डिफेंस विभाग से तोप बन रही थी और तोप से चल गई छोटी वाली, वो जो इंजीनियर की जान चली गई और जो और साथी थे वो भी घायल हो गए। बताओ ऐसी तोप बना रहे हैं ये लोग कानपुर में, और इसलिए जान चली गई होगी क्योंकि उसमें मिलावट का सामान लगा होगा, इसीलिए वो गोला नहीं चला तो फट गई और आपका इंजीनियर कल ही शहीद हो गया। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बताएं बीजेपी के लोग, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कह रहे थे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो हम खत्म कर देंगे, देश से नक्सलवाद नहीं रहेगा। आज का अखबार आपने उठाया होगा तो आपने देखा होगा गाड़ी की हालत क्या थी जिसमें बीजेपी का विधायक गया था। आज बीजेपी के लिए वो खबर नहीं है कि उन्हीं का विधायक एक नक्सली अटैक में जान से चला गया, सिपाही भी चले गए, कोई सवाल नहीं उनके लिए। छोटा सा मामला होगा तो टीवी भी चिल्लाएगा, अखबार भी छापेगा, दोषियों को भी बताएगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की और सब कुछ उनके हाथ में, आखिरकार बीजेपी का विधायक की हत्या कैसे हो गई? नक्सलियों ने क्यों हत्या कर दी उनकी? क्या इसका जवाब मिलेगा किसी को? जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए भारत की सीमा सुरक्षित है। मैं जानता हूं एटा में न जाने कितने परिवार होंगे, किसान भाई होंगे, जिनके परिवारों से
बेटे निकल करके सीमा की रक्षा कर रहे होंगे। आज जो बीजेपी कह रही है कि देश सीमाओं पर इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम समाजवादी लोग कहते हैं आज सीमा इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे बेटे फौज पर हिम्मत से और बहादुरी से काम कर रहे हैं। बीजेपी की वजह से देश सुरक्षित नहीं है, हमारी जो फौज है उसकी वजह से सुरक्षित है सीमाएं। हमारी तमाम जवान है जो वहां पर रक्षा कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ सकता बीजेपी से, लेकिन हम बीजेपी से सवाल पूछना चाहते हैं कि बताओ हमारे सीमा पर हर दिन एक जवान क्यों शहीद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आंकड़े बताएं कि जवान कितने शहीद हुए, इनकी गलत नीतियों के कारण। गलत नीतियों के कारण हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है सीमा पर। आप हिसाब किताब लगा लो, जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसा देश बना दिया कि जहां पर जवान भी शहीद हो रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहा है, और नौजवानों को जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। ये शिक्षा मित्र जानते होंगे, बताओ शिक्षा मित्र साथियों तुम्हारे कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है? इनके पास सूची है, 1000 नौजवान शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। जिन्हें नौकरी दी थी वो आत्महत्या कर ली। नौजवान साथियों बताओ नौकरी का क्या हिसाब किताब है? ये उम्र बढ़ती चली जा रही। जब हम वोट मांगने आए थे पिछले 2 साल पहले, तब 2 साल छोटे रहे हो गए, नौकरी नहीं मिली, उम्र बढ़ गई, 2 साल बड़े हो गए। और ये बीजेपी के लोग रहे तो किसी को नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमें और आप सबको मिलकर के पकौड़े बनाने पड़ेंगे, याद रखना। पकौड़ा बनाना चाहते हो क्या आप लोग? पकौड़ा बनाने की बात कह रहे हैं, और जो पकौड़े का आजकल तेल भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी विदेशी है, या किसी उद्योगपति का है या बड़े आदमी का है जो बाहर से तेल मंगा करके आपको धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं पकौड़े बनाए हो ना बनाए हो, लेकिन सरसों के तेल में ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। और ये विदेशी तेल ला रहे हैं, विदेशी समाजवादी लोग दिल्ली पहुंचेंगे, ये खाना बनाने वाला विदेशी तेल नहीं आ सकता है, भारत का सरसों का तेल या हमारे गाय और भैंस के दूध का घी बना हुआ, उसी से हमारे लोगों का काम खाज चलेगा। ये विदेशी मंगा रहे हैं, ये जो खा लेते हो फॉर्च्यून और कौन कौन सा तेल खाते हो बताओ? ये रिफाइन जो खाते हो, कहते हो ये बड़ी कंपनी का, ये ज्यादा अच्छा होगा। आप इसलिए खा लेते हो क्योंकि उनके पास विज्ञापन है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। विज्ञापन तो बीजेपी के भी अच्छे हैं, बताओ बीजेपी पार्टी अच्छी है क्या? इसलिए नौकरी के लिए बड़ा सवाल है देश के सामने, नौकरी कैसे मिले, रोजगार के इंतजाम कैसे हो। अभी पुलिस भर्ती करके दिखाई थी उत्तर प्रदेश में, 40 और 30, 70 हजार नौजवानों को नौकरी दी। किसी सरकार ने अभी तक 70 हजार की भर्ती 5 साल में नहीं कर पाई थी, केवल समाजवादी लोगों ने 70 हजार से ज्यादा नौकरी कर करके दिखा दिया। ये समाजवादी नीतियां थी। और जो भर्ती करने का काम सिलसिला शुरू हुआ था, जो भर्ती का सिलसिला हुआ था वो आसान कर दिया था, इसलिए आसान कर दिया था कि एक भर्ती में 3-3 साल लगते थे। कभी परीक्षा हो रही तो पेपर आउट हो गया, एक पेपर आउट हुआ दूसरा पेपर आउट हो गया, सालों साल लगते थे तब भर्ती होती थी, 2-2 साल 3-3 साल भर्ती लगती थी। यहां हो सकता है एक आध खड़ा हो मेरिट भर्ती वाला, कोई सिपाही जो नई भर्ती वाला है मेरिट वाला, बताओ खड़ा है कि नहीं खड़ा है? इसकी टेंशन खत्म कर दी, परीक्षा होनी कि नहीं होनी, 10वां 12वें के नंबर लाइए और दौड़ के दिखा दो, भर्ती में शामिल कर देंगे। ये समाजवादियों ने करके दिखाया, और कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये अगर खड़े हैं नई भर्ती वाले मेरिट वाले तो जानते होंगे, कोई आरोप नहीं लगा सकता। आने वाले समय में दिल्ली की सरकार बनने जा रही है,
जो फौज में कमी है, पैरामिलिट्री में कमी है, इसी तरह भर्ती होगी। 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो आगे चला जाएगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, कोई किसी को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबसे लेकर रास्ता निकाला, बताओ भर्ती हुई कि नहीं हुई, इनसे पूछिए। ये पुलिस वाले भी थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, 100 नंबर वाले भी, ये 100 नंबर ईमानदारी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ लेन देन ज्यादा कर रहे हैं लगता। ये 100 नंबर हमने अमेरिका से नकल करके बनवाया, ये जो गले मिल रहे हैं अमेरिका से, कुछ नहीं लाए हमारे आपके लिए। समाजवादियों ने 100 नंबर, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरह काम करती है वही इंतजाम किया हमने। और हमने कहा कि अगर गांव में झगड़ा हो जाए, गांव के झगड़े ही क्या है हमारे, कोई मेड़ का झगड़ा है, कोई पानी का, आबादी का, खेत का झगड़ा है, परिवार में झगड़ा हो गया, आप अपने नेताओं को फोन करते थे या थाने भागते थे। हमने कहा गरीब किसान थाने में नहीं जाएगा, वो फोन करेगा और पुलिस उसके खेत पे पहुंचेगी और उसकी मदद करेगी, इसलिए 100 नंबर हमने इंतजाम किया था। और जब से ये बाबा मुख्यमंत्री आए, 100 नंबर भी खराब कर दी इन्होंने। ये बाबा मुख्यमंत्री जी जाने क्या कह रहे हैं, क्या हो गया इनको पता नहीं, अभी कह रहे अली बजरंग अली, हमें पता ही नहीं क्यों कह रही है अली बजरंग अली। ये चुनाव तो किसानों की तकलीफ का है, देखो चुनाव कहां ले जा रहे हैं। हम उन्हीं से कहते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी से, कि हम बधाई देते हैं, आपने बहुत अच्छी कावड़ यात्रा कराई, पुलिस से भी फूल बरसवाए, हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन कम से कम टीवी पर आइए आप और एक विज्ञापन निकालिए कि जितने नौजवान कावड़ में गए थे सबको सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी दे देगी। निकालते क्यों नहीं हो आप, कहते क्यों नहीं हो विज्ञापन में? और अगर आप विज्ञापन नहीं निकाल सकते हो तो यही नौजवान इस बार फैसला ले रहा है, आपको मठ में जाना पड़ जाएगा वापस। और फिर बजरंग बली जी की तो जात बता रहे थे ये बीजेपी वाले लोग, बीजेपी वाले बताओ बजरंग बली जी की जात बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा दलित है, कोई कुछ कह रहा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं कहा कि बजरंग बली यादव है। बताओ बजरंग बली की जायदाद बताई भगवान की क्या नहीं बताई? और मुख्यमंत्री तो एक दिन ऐसा बता दे कि अगर बंदर भगाने हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, बताओ कैसे हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, बताइए आप कैसे मुख्यमंत्री हैं बताओ? उन्हें नहीं समझ में आ रहा, बहुत प्रचार किया था क्या वो समाजवादी लोग, न जाने क्या करते हैं जानवरों के साथ, वीडियो चलवाए थे, व्हाट्सएप चलवाए थे, हो सकता है फिर चलाएं व्हाट्सएप, फिर चलाएं वीडियो। अगर कोई जिम्मेदार है आज उस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, आज मीट ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। पत्रकार साथी आंकड़े बताइए कि मीट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट के नहीं हो रहा है, और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हमारे किसान भाई बताओ लागत में ज्यादा पैसा लग रहा कि नहीं लग रहा? खाद महंगी कर दी, सब महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगी। अगर आप हीरा खरीदोगे, अगर आप हीरा खरीदोगे तो जीएसटी नहीं, बहुत कम लगेगी आप पर। और अगर ट्रैक्टर खरीदोगे, खेती का सामान कुछ लोगे तो कितने परसेंट टैक्स देना पड़ जाएगा आपको? ज्यादा देना पड़ेगा। अब सरकार कह रही है कि हम किसानों को 6,000 रुपए साल में देंगे, 6,000 रुपया महीना देंगे किसान को।
ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। हम उनसे जानना चाहते हैं, बताओ खाद की बोरी से 5-5 किलो किसके लिए चोरी की थी आपने, बताइए। कभी कहीं ऐसा हो कि 5 किलो कम कर दिया हो? बताओ किसान भाई, आगे 5-5 किलो यूरिया खाद से पैसा निकाला क्या? नहीं निकाला इन्होंने। कैसी सरकार है ये, 5 किलो चोरी की खाद से, और इन्हें जानवर का इंतजाम करना चाहिए था, जानवर का इंतजाम नहीं किया, ना गाय का, ना भैंस का, ना सांड का, किसी का इंतजाम नहीं किया इन्होंने। आपको हमें तार लगाने पड़ रहे हैं खेत पे, बताओ लगाने पड़ रहे हैं कि नहीं लगाने पड़ रहे? और जो खेतों में जिनका नाम लेके बुलाते हो, माइक से नहीं बुला सकते, सोचिए क्या हालत पैदा कर दी। किसान को चौकीदार बना दिया, रात भर जग रहा किसान, आलू की कोई कीमत नहीं मिली। अगर आलू की कीमत मिली हो तो बताइए आप, सब बर्बाद हो गए, किसान, आड़तिया और वो कोल्ड स्टोर वाले भी, और इतना किसानों को घाटा लगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष से इतना घाटा पड़ा कि उनके बेटे को सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। बताओ किसान यूनियन के नेता के बेटे ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि उसे घाटा इतना लग गया था आलू में, और कहा कि हम आलू खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा आलू खरीदेंगे, हमारे किसान भाई निकल पड़े यहां से, कन्नौज से आलू लेकर के गए, शायद खरीद हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में भी आलू डाल दिए, गवर्नर हाउस में भी डाल दिए, विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की आंख नहीं खुली, कोई इंतजाम नहीं। बिजली महंगी कर दी, बिजली का सबसे बड़ा प्लांट, बिजली का सबसे बड़ा प्लांट अगर आसपास कहीं लगने जा रहा था तो यहीं लगने जा रहा था, बताओ यहीं पर लग रहा था कि नहीं? सबसे बड़ा प्लांट, और हो सकता है बीजेपी वाले कह रहे हो कि उन्हीं का प्लांट है, उन्हीं का सबसे बड़ा प्लांट किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। हम ही आए थे यहां पर शिलान्यास करने, और सब नेता आपके शामिल थे। ये 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट है, और हम तो ये कहना चाहते पत्रकार साथियों के सामने, जितनी बिजली की योजनाएं समाजवादी सरकार में बनी थी उन्हीं योजना को ये आगे बढ़ा रहे हैं। एक भी योजना इन्होंने अभी तक बिजली के क्षेत्र में नहीं बनाई, चाहे सब स्टेशन लगाना हो, गांव को बिजली पहुंचाना हो। और हम तो दावे के साथ कह के जा रहे हैं कि बीजेपी वाले बताएं, अगर 1 मेगावाट भी बिजली उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनाई हो तो बता दो हमें, 1 मेगावाट हम कह रहे हैं। और ये था 660 का, 1 मेगावाट बिजली नहीं बन रही, और बिजली तो बनाई नहीं, और बिल कितने के भेजे जा रहे हैं किसान भाई बता दो आप। इन बीजेपी वालों की बात जो शुरू होती है शौचालय से शुरू करते हो, शौचालय पे खत्म हो जाती है। कहां शौचालय पे बात कर रहे हैं बताओ? झाड़ू उठा करके कह रहे स्वच्छ भारत हो गया हमें, एटा वाले बताओ कितना स्वच्छ हो गया एटा, बताइए हमें। ये कूड़े में भी वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है, और कूड़ा जो शहर में था अब गांव में भी वैसा ही कूड़ा पहुंच गया है, और कूड़े के नाम पर, स्वच्छ भारत के नाम पर न जाने कितना पैसा निकल गया। और जो शौचालय बनाए, हमारे गांव के लोग बैठे होंगे, प्रधान लोग भी जानते होंगे, कांग्रेस और बीजेपी में शौचालय बनाने में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस जो शौचालय बनाती थी वो 1 गड्ढे का शौचालय बनाती थी, और बीजेपी वाले बना रहे 2 गड्ढे के शौचालय, और शौचालय में पानी ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया, बताओ शौचालय कैसे जाओगे बताओ हमें? क्या संभव है बिना पानी के शौचालय चले जाओगे आप? और शौचालयों की स्थिति क्या है, प्रधान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। हम समाजवादियों का मानना है
कि जिस समय हमारे गरीबों को, किसानों को, गांव में रहने वालों को आप पढ़ा लिखा दोगे, आप संपन्न बना दोगे, वो अपने आप पानी वाला शौचालय बना लेंगे। और नहीं तो जिस तरीके से लोहिया आवास योजना देना शुरू की थी 3,05,000 की, दिल्ली में समाजवादी लोग पहुंचेंगे और लोहिया आवास की योजना दोबारा शुरू कर करके अपने गरीबों को 3,05,000 से ज्यादा पैसा देंगे। लोहिया आवास बनाना इसलिए शुरू किया था, जिन्होंने देखा होगा लोहिया आवास वो जानते होंगे, उसमें सोलर भी था, पंखा भी दे रही थी सरकार, बल्ब भी दे रही थी, जिससे हमारे गरीब को बिजली का बिल ना देना पड़े, सोलर के ट्यूबवेल भी देना शुरू कर दिए थे। ये सब काम रोक दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कोई काम नहीं कर रही सरकार, केवल हमारे और आपके बीच में नफरत फैला रहे हैं, हमारे आपके बीच में खाई पैदा हो जाए, जात की खाई हो जाए पैदा, धर्म की खाई पैदा हो जाए। और दुनिया में कहीं इतने धर्म और जाति के लोग नहीं रहते होंगे जितने भारत में लोग रह रहे हैं। अगर अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमें आपको बांट करके राज करना चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने यह गठबंधन किया है कि हम बटेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे और महापरिवर्तन लाने का काम करेंगे। इनका जो घोषणा पत्र है, पता ही नहीं क्या है घोषणा पत्र में। 2014 के घोषणा पत्र में था कि अच्छे दिन लाएंगे। बताओ किसी के अच्छे दिन आए हो तो बताओ। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। ये मत समझना कि कोई पांव बैठ जाएगा ऐसे ही, कोई बैठा हो तो बताओ, कोई नहीं बैठ पाएगा। ये केवल टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, टीवी पर, मोबाइल पे प्रचार कर रहे हैं। और अभी घोषणा पत्र आया है, उसमें नौकरी के बारे में कुछ नहीं कहा है, नौकरी नहीं मिलने जा रही है। बताओ जो घोषणा पत्र अभी है, कहां नौकरी मिल रही, कहां किसान को सुविधा मिल रही। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने जो अपनी बात कही है, संकल्प पत्र रखा है आपके बीच में, जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी सोच है, जो हमारा विजन है, हम समाजवादियों ने कहा कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन होगा। जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसी को सम्मान नहीं मिल सकता है। इसीलिए सामाजिक न्याय से ही महापरिवर्तन संभव है, बिना संभव नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, हमें खुशी है कि अगड़ी जाति को 10% आरक्षण मिल गया, हमारे अग्रवाल जी को भी आरक्षण मिल गया, हमें खुशी है इस बात की। अगर इनको देना चाहते हो, इनकी गिनती कर लो, आबादी के हिसाब से दे दो, इन्हें ज्यादा दे दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है। कोई ये गलत बात ना निकाले कि हम किसी के खिलाफ है आरक्षण को लेकर के। अगर आप अगड़े लोगों को आरक्षण देना चाहते हो दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें और आपको सबको गिन लिया जाए और आबादी के हिसाब से हमें भी हक और सम्मान मिल जाए, ये हमारी लड़ाई है। सरकार ने आधार कार्ड बनाया, सरकार ने आधार कार्ड बनाया। बताओ आधार कार्ड बन गया कि नहीं बन गया सबका? थोड़े बहुत अगर बचे हैं तो बचे हों, वरना 95% लोगों का आधार कार्ड बन गया है। अभी कुछ दिन पहले जनगणना भी हुई थी, आधार भी काम नहीं कर रहा, जनगणना के भी आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए। और आंकड़े इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार जानती है कि अगर लोग जाग गए और जान गए कि वो आबादी में कितने हैं, तो हो सकता है वो अपना हक और सम्मान मांगने लगे। हमारे मंच में प्रजापति जी बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो गिनती में कितने हैं। कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता है। हमारे पास समाज के लोग होंगे, बताओ आप गिनती में कितने हो, नहीं जानते आप। हमारे लोधी समाज के लोग होंगे, बताओ आबादी में कितने हो, नहीं जानते। कुशवाहा समाज के लोग होंगे, नहीं जानते। राठौर समाज भी नहीं जानता, पाल समाज भी नहीं जानता, हमारे व्यापार वैश्य समाज भी नहीं जानता, क्षत्रिय समाज भी नहीं जानता,
कोई नहीं जानता अगला, कोई नहीं जानता कौन कितना है। बताओ हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे पत्रकार साथियों, कोई जानता है कौन कितना है? हमारे जो पिछड़े लोग, हम लोग ये समझते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं, लेकिन हमें हक और सम्मान नहीं मिल रहा। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, हम लोग केवल भूल गए थे, बस इतनी सी बात है। हम भी लैपटॉप बांट करके और एक्सप्रेसवे बना करके भूल गए थे कि हम भी अगड़े हो गए। एक्सप्रेसवे ऐसा बनाया कि आज जरूरत हो मिराज को उतरने की, सुकोई उतारने की जरूरत हो, या दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज हरकुलस अगर उतरना चाहे तो आपकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क पर उतर सकता है। हम समाजवादियों ने ऐसे लैपटॉप बांटे हैं। आज भी गांव में जाओ, आज भी गांव या मोहल्ले में उस समय के अगर लैपटॉप होंगे, हमारे नौजवान या जो लोग खड़े वो जानते होंगे कि आज भी समाजवादियों के वो लैपटॉप दिए हुए खराब नहीं हुए हैं। जब भी ऑन करोगे उसमें नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देगी। बताओ दिखाई देती कि नहीं देती है? समाजवादी पेंशन बांटी 500 रुपया महिलाओं को, हम अपने आप को अगड़ा समझने लगे थे। हम बीजेपी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम हमें पिछड़ा बना दिया, हम उसके लिए बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं उन्हें। और हम चाहते हैं कि हमारी गिनती हो, क्योंकि यहां पर गिनती नहीं करोगे तो कोई योजना नहीं बन पाएगी, सब कंफ्यूजन में रहेंगे। पिछला चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सब यादव ले गए, सब यादव लोगों के खाते में चला गया। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, बताओ कि जो आप नई पॉलिसी बनाई है आपने, पहले हमारे आपके बच्चे अगर पढ़ाई में जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो जनरल कोटे में भी आ जाते थे, अब जनरल कोटे में नहीं आ सकते। नौकरी मिलती थी तो आरक्षण के साथ साथ आपको दूसरे जनरल में भी मौका मिल जाता था, लेकिन अब सब मौके बंद हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी उसी पिछड़ी जाति के हैं। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि बताओ क्या ये आरक्षण में किसके लिए बदलाव हुआ है? हमारे कुशवाहा समाज के लोग बैठे हैं, बताओ ये आरक्षण में परिवर्तन किसके लिए हुआ है? आज कम आबादी वाले लोग ज्यादा हक ले रहे हैं और ज्यादा आबादी वाले लोग थोड़ा बहुत कम हक मिलकर के शांत पड़े हुए हैं। ये हालत पैदा कर दी इन्होंने, बताओ। और जब हम अपने घर से निकले, जब हम मुख्यमंत्री आवास से निकले, न जाने कितने मुख्यमंत्री बने होंगे। एक मुख्यमंत्री बना होगा, दूसरा आया होगा, दूसरा बना होगा और आया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में कभी भी गंगा जल से धुलाई नहीं हुई होगी। इस बाबा योगी ने, मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से धुलवाया था। मैं जानना चाहता हूं आखिरकार क्यों गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया था? आप अगर गंगा जल से धुलवा सकते हो और हमें बदनाम करने के लिए क्या कहा आपने, हमें बदनाम करने के लिए क्या कहा इन्होंने, बाबा योगी जी के लोगों ने, कि जब हमने घर खाली किया तो उसमें से टोटी ले गए हम, यही तो कहा ना। हाँ, अरे हम लैपटॉप दुनिया का सबसे बेहतरीन देने वाले, हम टोटी नहीं ले जाते हैं। जिन अधिकारियों ने टोटी दिखाई है, हम कह के जा रहे हैं आने वाले समय में सरकार बनेगी और आपके यहां से भी एक चिलम निकालेंगे, और जब तक चिलम नहीं निकलेगी तब तक वही अधिकारी ढूंढते रहेंगे। बताओ क्या मुख्यमंत्री आवास आप गंगा जल से धोओगे? क्या आप टोटी निकालोगे? तो याद रखना, अगर टोटी निकालोगे तो चिलम भी तुम्हारे यहां से निकलेगी। और फिर बाबाओं का और चिलम का पुराना रिश्ता है, ये हम तो पहले से जानते हैं। इसलिए तैयारी करिए, जनता जाग चुकी, अब जनता को ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। ये जो धोखा पत्र है, ये धोखा वाला है पत्र, अब नहीं धोखा दे सकते हो। बताओ कहीं कोई शक करता होगा कि तुम खाते क्या हो, तुम पहनते क्या हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। भारत देश
सब धर्मों सब जातियों को जगह देता है, उनका सम्मान देता है। ऐसा हमारा समाज है, हमारा ऐसा देश है। जब से बीजेपी आई है नफरत फैला रही है, एक दूसरे पे हम शक कर रहे हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल ये चाहते हैं कि कुर्सी पे बने रहें। और इस बार उत्तर प्रदेश ने जो महागठबंधन किया है, कोई ऐसे ही महागठबंधन नहीं हो गया, ये विचारों का गठबंधन है, ये गरीबों का गठबंधन है, ये किसानों का गठबंधन है, और गांव में रहने वाले लोग जो आजादी के बाद इतना पीछे रह गए उनका गठबंधन है। और ये गठबंधन कोई आज अचानक नहीं बन गया। अगर भारत का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पुराना इतिहास देखेंगे कि जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के आने वाले समय का देश का परिवर्तन चाहते थे, वो परिवर्तन और वो गठबंधन नहीं हो पाया। एक बार फिर नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने कोशिश की, दोनों ने मिलकर के गठबंधन किया, उस समय बीजेपी के लोगों ने तोड़वा दिया। एक बार फिर हमें मौका मिला, इसलिए मैंने कहा था कि हमें अगर दो कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो हम गठबंधन करेंगे। और आज देखिए गठबंधन से कैसे घबराए हुए लोग हैं, घबरा गए इस गठबंधन से। आप वोट मिला लो और गरीबों किसानों का, यही गठबंधन है जो देश का गठबंधन है। इसलिए जहां हम एटा में आप सबसे निवेदन करने आए हैं, वही अलीगढ़ में भी मदद करिए, ये फरक्काबाद में हमारे हैं अग्रवाल जी, इनकी भी मदद करिए, और बगल में एटा में मैनपुरी में नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं इस गठबंधन के बाद नेताजी जहां बगल में चुनाव लड़ रहे हैं साइकिल चुनाव चिन्ह पर, ये जो चुनाव होने जा रहा है मैनपुरी का, ऐतिहासिक चुनाव होगा मैनपुरी का, और देश की जो सबसे बड़ी जीतें होंगी उसमें नेताजी का भी नाम शामिल होगा कि मैनपुरी की जनता ने कितने बड़े वोटों से जिता करके भेजा है। बताओ मैनपुरी में जीतेंगे नेताजी के नहीं जीतेंगे बड़े वोटों से? नेताजी के लिए अभी हम लोग, हम और आदरणीय मायावती जी वोट मांगने आएंगे, जॉइंट रैली है दोनों लोगों की, आप भी आना, मैं बुला के जा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि नेताजी को जिताना है। और हमारे जो यहां के प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव जी बड़े भावुक हो गए, बोले आखिरी चुनाव है हमारा। ऐसा क्यों कहते हो कि आखिरी चुनाव है? अभी तो बहुत नौजवानों को आपको आशीर्वाद देना है, लेकिन अगर आखिरी चुनाव इनका है तो एटा की जनता से हम कहना चाहते हैं कि एटा विकास में पीछे छूट गया है, बहुत छूट गया पीछे। हमने दिल्ली से कहा कि ये गडकरी हिसाब से कहा था, हमने कहा जीटी रोड हमें दे दो बनाने के लिए, हम बना देंगे, क्योंकि जीटी रोड कन्नौज से भी गुजरती है, एक्सप्रेसवे तो सुंदर बन गया, अच्छा बन गया, लेकिन जीटी रोड वैसी की वैसी पड़ी है जो किस जमाने की थी। मैंने दिल्ली वालों से कहा कि जीटी रोड हमें बना लेने दो, लेकिन उन्होंने जीटी रोड हमें नहीं दी इसी, और आज भी नहीं बन पाई, जीटी रोड वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। कितनी बार चुनाव होकर चले गए, यहां आए थे प्रधानमंत्री, अगर याद कीजिए 2014 में अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री जी आए थे और कह के गए थे कि जो भी अपराधी होगा उसे हम जेल भेज देंगे, पत्रकार साथियों निकालना उनका भाषण, और कहा था कि जो अपराधी होंगे हम उन्हें जेल भेज देंगे, जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब प्रदेश का मुखिया पे इतनी धाराएं हैं, वो कब कहां जाएंगे इसका भी तो बता दो हमें, यही कह के गए थे वो लोग। कहा था कि नहीं कहा था यहां पर, यही कह के गए थे अपराधी जेल चले जाएंगे। और सोचो कैसे मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, वो कुंभ में सबको बुला रहे थे, आइए कुंभ में, आइए आइए कुंभ में, सब आइए,
और जब स्नान लिया मुख्यमंत्री जी ने, तो बताओ कैसे स्नान लिया, बताओ, जानते भी नहीं है वो स्नान कैसे लिया जाता है। कुंभ में स्नान पता नहीं कैसे लिया जाता है, जैसे बच्चे कूद जाते हैं। ये कोई स्नान करने का तरीका है, बताओ हमें। और एक और हमें हसरत थी, हमें और आपको, कि कम से कम किसी का 56 इंच का सीना दिखाई दे जाएगा, लेकिन कुंभ में वो भी नहीं दिखाई दिया। और पैर किसके धोए, हमें आपको उलझाने के लिए पैर धोए, बताओ पैर धोए। हमें और आपको उलझाने के लिए पैर धोए उन्होंने, दलित समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। हम उन्हें देखते रह गए, हम उन्हें देखते रह गए कि कैसे पैर धो रहे हैं। और तब तक सब नौकरियां धो दी, किसी को नौकरी नहीं मिली, पैर धोते धोते सब नौकरियां धो दी, किसी को नहीं मिली। हम पैर धोते देखते रह गए, हमारी इन माताओं बहनों की पेंशन छीन ली, बताओ समाजवादी पेंशन मिल रही थी बिना भेदभाव के, गांव में मिल रही थी, सब शहर में मिल रही थी समाजवादी पेंशन, पेंशन मिल रही थी। अरे हो गया, तुम्हारा ज्ञापन कर देंगे यार, तुम रुक जाओ, ये अच्छा हुआ कि सुधर गए, इसीलिए ज्ञापन हमें दे रहे हैं। ये पहले दूसरी पार्टी को जिता रहे थे, अब ठीक हो गए कि नहीं, और थोड़े बहुत खराब थे वो, पुलिस ने ठीक कर दिया लाठी मार मार के इनके। वो हमारे साथी लोग जेल मिलने गए थे, हमने कहा कि हमारा संदेश दे देना कि आपने बीजेपी को जिताया, इसीलिए लाठी पड़ रही है आपको। और उन्होंने स्वीकार किया कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया था। हमने सभी शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया था, और हम समय शिक्षा मित्रों से कह रहे हैं, आपको कोई नौकरी नहीं दे सकता है, केवल समाजवादी लोग दे सकते हैं। आप सरकार बनवाइए और अलग से निकालनी पड़ेगी नौकरी, तब जाकर के आप समायोजित हो पाओगे, वैसे समायोजित नहीं हो पाओगे आप, अलग से बजट करना पड़ेगा। इसलिए आपके सामने संकट है। ए तुम अखिलेश भैया चिलम मार के आए हो क्या? इसलिए इसका ख्याल रखो, असलम का ख्याल रखो। इसलिए साथियों, हमसे कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाजवादी लोग सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन चाहती है, सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन चाहती है। और गिनती बहुत आसान है कि हमारे पाल समाज के लोग कितने हैं, प्रजापति समाज के लोग कितने हैं, हमारे कुशवा कितने हैं, हमारे लोधी समाज के लोग कितने हैं। गिनती बहुत आसान है, क्योंकि सरकार ने आधार बनवाने पे 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है, कम से कम 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया है आधार बनवाने में, 10,000 करोड़ खर्च कर दिए। जनगणना करने पर 2,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और अब तो टेक्नोलॉजी है, आप जैसे मोबाइल में नाम डालते हो, अगर ए डालते हो तो ए से जितने नाम है वो ऊपर आ जाते हैं, के डालते हो तो के से नाम पूरे आ जाते हैं। हमारा आपका सब कंप्यूटर में जमा है, आप कंप्यूटर लगा दीजिए और उसमें कहिए, जब कोई फोन करे और जब फोन पर आवाज जाए इधर से, तो कंप्यूटर पूछे कि अगर आप यादव हैं तो 2 नंबर दबा दीजिए, साक्य हैं तो 4 नंबर दबा दीजिए, पाल हैं तो 5 नंबर दबा दीजिए। आज कंप्यूटर है, बहुत आसानी से गिनती हो जाएगी। इसलिए जब कभी समाजवादी सरकार दिल्ली में जाएगी, हम जातिगण आंकड़ों को बाहर जनता के सामने रखेंगे, कम से कम देश की जनता जान जाए कौन कितना आबादी में है, नहीं तो हमें और आपको ऐसे ही झगड़ा कराते रहेंगे। और जो हमारे लोग जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, वो ये सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं,
लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। इसलिए कम से कम सच्चाई सामने आ जाए। इसलिए एटा के तमाम हमारे साथियों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, ये ऐतिहासिक चुनाव है। जो पिछली बार हो गया हो, चाहे जिसकी गलती रही हो, सब भूल जाइए। एक नया देश बनाने के लिए, ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये नहीं बना सकते नया देश, नया देश बनाने के लिए नई सरकार चाहिए और नई सरकार का नया प्रधानमंत्री होगा, इसीलिए ये चुनाव होने जा रहा है। पुराने लोग ये जो हैं बीजेपी के लोग, ये कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। आप किसी से पूछ लेना, किसी विभाग से जानकारी कर लेना, जो समाजवादियों ने काम किए थे वो उदाहरण दिए थे, उदाहरण थे कि ऐसे काम किए जाए तो हमारा प्रदेश और देश आगे चला जाएगा। इसे एक बार फिर कहता हूं आपसे कि हमारे फरकाबाद और एटा के दोनों लोग हैं, इनकी मदद करिए। और जो बाकी लोग हैं उनसे हम कहेंगे सब कुछ भूल करके सहयोग कराइए और मदद करिए, जिससे ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएं। और अगर नेताजी जीते हैं उधर से और उसके बगल में डिंपल जीते हैं, तो एटा के लोग क्यों पीछे रहोगे? आप भी तो पीछे पीछे अच्छे वोटों से जिताकर भेजो। ये लड़ जरूर रहे हैं, ये लड़ जरूर रहे हैं दोनों, लेकिन ये महागठबंधन का चुनाव है। बताओ महागठबंधन का चुनाव कैसे पीछे रह जाएगा? क्या पीछे रह जाएगा ये बताओ हमें। और हमारे व्यापारी वर्ग के लोग भी आ गए, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी में सबसे ज्यादा धोखा इनके साथ हुआ है, सब बर्बाद कर दिया इनका व्यापार। बीजेपी के लोग इन्हें केवल मंच और लंच के लिए समझते थे, अब हम इनको सम्मान देने जा रहे हैं, ये गठबंधन सम्मान देने जा रहा है। इन्होंने न जाने कितना मंच सजाया बीजेपी का, न जाने कितनी बार लंच दिया उन्हें, इस बार समाजवादी लोग इन्हें सम्मान देने जा रहे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिताना, यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूं। और मुझे भरोसा है एटा के लोगों पर कि एटा के लोग लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहते हैं, संघर्ष में पीछे नहीं रहते हैं। और जब ये परिवर्तन होने जा रहा है, इस परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन भी है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप चली जाएगी, जैसे ही दिल्ली की सरकार जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए दोनों साथियों का, मनोज अग्रवाल जी को, देवेंद्र यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताना, यही अपील, यही निवेदन मैं आप सबसे करना आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश को झूठों से बचाना, धोखे वालों देने वालों से बचाना, और जिन्होंने देश को दूसरे रास्ते में ले जाने का काम किया है उन लोगों से बचाना। देश मजबूत हो, उत्तर प्रदेश मजबूत हो, हमारे समाज में भाईचारा हो, जातियों का बंधन टूटे, धर्म के नफरत न हो, ऐसा समाज बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम नौजवानों से विशेष अपील करेंगे कि एक एक वोट देना, तभी जाकर के नया देश बनेगा, वरना नया देश नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।